डिस्टेंस एजुकेशन से बीएड करना चाहते हैं, बहुत कम कैंडिडेट होते हैं। उनका क्वेश्चन है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से ये करें तो ठीक है? बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपको वहाँ से बिना झिझक अप्लाई कर देना चाहिए। उसकी ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो एक्टिविटी है ऑनलाइन की है और फीस कितनी है, वो सारी जानकारी यहीं से नेट से दे रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ पर है कि फीस कितनी है अप्लाई करने की, 2023 की फीस ही है ये, 800 रुपया, और एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी हाफ है, 400 है। मोड ऑफ पेमेंट इंटरनेट चलान बुक दोनों ही अवेलेबल हैं। जो बेसिक आपके लिए ज़रूरी है कि कौन कर सकता है यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट है पीयू कॉरेस्पॉन्डेंस एडमिशन, दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर एक, ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बाकी कंडीशन सारी सेम है कि ग्रेजुएशन में आपके 50% या 55%, वो आगे चल के बता देता हूँ, मार्क्स चाहिए जो साइंस वाले हैं। तो पहले आपने किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया हो, अगर आपने कम से कम 2 साल वहाँ टीच किया है, वहाँ का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, द कैंडिडेट हु हैव एंटर्ड इन टीचिंग प्रोफेशन बेस्ड ऑन डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन प्राइमरी एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग। जैसे कि आप एलिमेंट्री स्कूल में टीच कर रहे हो, टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी टीच कर रहे हो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आर इंटेंडेड टू इम्प्रूव देयर कॉम्पिटेंस बाय ऑब्टेनिंग डिग्री सेकेंडरी टीचर, बीएड करना चाहते हो, 10वीं तक के लिए एलिजिबल होना चाहते हो आप, तो आप कर सकते हो अप्लाई इसके लिए। प्रोवाइडेड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में, सोशल साइंस में, कॉमर्स में विद मिनिमम 50% मार्क्स, और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन साइंस एंड मैथ्स 55% मार्क्स, ये आपके पास होने चाहिए। दूसरा कैंडिडेट हु हैव जिन्होंने एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड एंड नॉट इन टीचिंग प्रोफेशन आल्सो एलिजिबल। ये ध्यान से ये सुन लीजिए कि अगर आपने 2 साल टीचिंग प्रोफेशन में लगाए हैं, सर्टिफिकेट हैं और वो क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो भी एलिजिबल हो। दूसरा है कि अगर आपने फेस टू फेस कोई कोर्स जैसे ईटीटी आपने रेगुलर की हुई है, नॉट इन टीचिंग प्रोफेशन इज आल्सो, लेकिन आप किसी टीचिंग कोई स्कूल आपने ज्वाइन नहीं किया, फिर भी आप ये कर सकते हो। ODL है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, प्रोवाइडेड दे पोजेस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन ह्यूमैनिटीज साइंस सोशल साइंस कॉमर्स 50% और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन साइंस एंड मैथ्स विद 55%, वो ऊपर वाली ही है। तो रिलैक्सेशन है एससी एसटी बैकवर्ड और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% की। मार्क्स आपके कैसे कैलकुलेट करने हैं आप खुद देख सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि सीट्स कितनी हैं, 500 यहाँ पर 500 सीट्स हैं पंजाब एंड चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के लिए, और ऑल इंडिया कोटा है 300। इसकी रिजर्वेशन यहाँ से देख लीजिए, कैटेगराइजेशन जो डिवीज़न है। अच्छा, फीस कितनी है बीएड की, ये लिखी हुई है, साल की है 32,021 रुपये, 1 साल की है, इसको 2 साल की कर लीजिए, जब आप 2 साल की बीएड होनी है ये कॉरेस्पॉन्डेंस से भी। पीसीपी जो आपके हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम लगने होते हैं 10 या 15 दिन के, वो उनके कहाँ कहाँ लग सकते हैं, स्टडी सेंटर वंस अलॉटेड नॉट बी चेंज, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 20D चंडीगढ़ में है, DAV कॉलेज अबोर में है, BCM कॉलेज अर्बन स्टेट लुधियाना में है, देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन वुमेन फिरोजपुर सिटी में है, देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 36 चंडीगढ़ में है, GTP खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन दसुआ में है, दशमेश गर्ल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन बादल में है। यहाँ पर PCP लगेगी, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो नज़दीक कौन सा पड़ता है। ये रहा आपके हाईलाइट्स, और कुछ यहाँ से देखना आप देख सकते हो, सीधा आपके सामने है। दैट इज़ ऑल अबाउट इट, मीन्स आपका क्वेश्चन था कि कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन भी है, चलो तो आप बेझिझक हो के कर सकते हैं। आपको एलिजिबिलिटी देखनी है, आपने प्रोफेशन ज्वाइन किया हुआ है टीचिंग, जहाँ आपने फेस टू फेस मोड से
ETT, DLED कुछ किया हुआ तो आप एलिजिबल हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।